हम सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है, लेकिन एक ही चीज बार बार खाने में कुछ मजा भी नहीं आता। तो इस लाल लाल गाजर को क्यों ना कुछ नया टेस्ट और लुक दिया जाए, जो देखने वाले देखते रह जाएं और खाने वाले खाते रह जाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जबरदस्त रेसिपी, जिसको आपने कभी खाई नहीं होगी ना ही कभी बनाई होगी। जी हाँ, इसका नाम है गाजर केसर डिलाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यूनिक स्टाइल की गाजर केसर डिलाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गाजर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये लाल वाला गाजर है। आप चाहें तो जो पीले कलर का गाजर आता है आप उसको भी ले सकते हैं, और पीछे साइड से और आगे साइड से जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम निकाल देंगे और इस गाजर को हम छील करके और तैयार करेंगे। छिलका हमको उतार लेना है सारे गाजर का इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे गाजर का छिलका उतार लिए हैं और इसको हमने धोकर के साफ भी कर लिए हैं। अब इसको किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से गोल गोल शेप में हमको इसको कट करके और तैयार कर लेना है। तो सारे गाजर को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे और इसको हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही कट के सारे गाजर को तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने गाजर कट करके और तैयार कर ली है। अब हम एक कढ़ाही ले लेंगे और उस कढ़ाही में हमको उतना पानी डालना है जितना कि ये गाजर हमारा उसके अंदर अच्छे से डूब जाए, इतने हमको पानी लेने हैं। तो ये करीब 500 ग्राम गाजर है, तो 500 ग्राम से थोड़ा सा हम अधिक इसमें पानी डालेंगे, यानी कि 4 कप पानी हम इसमें डालेंगे तो ये गाजर हमारा उसमें अच्छे से डूब जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको बराबर कर देंगे और हम ऊपर से एक लीड लगा देंगे ताकि अच्छे से गाजर हमारा बॉयल हो जाए, और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि गाजर हमारा तैयार हो गया कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और ये हम चमचे से यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है आसानी से, यानी कि गाजर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप स्पून से या किसी भी चीज़ से इस तरीके से कट करके आप देख लीजिएगा। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस स्टेज पे हम गाजर को पानी से अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको जैसे भी करना हो गाजर को पानी से अलग कर लेना है और इस पानी को हमको फेंकना नहीं है, इस पानी को हमको रखना है। आगे इसका क्या करना है वो मैं बताऊंगी। और गाजर को अब मैं यहाँ पे ठंडा कर लूंगी। तो गाजर को ठंडा करने के बाद से हम एक जार लेंगे और जार में हम सारे गाजर को ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम गाजर का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हमें गाजर का फाइन पेस्ट ही बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। और इधर जो हमारा गाजर का पानी है आप देख सकते हैं ये करीब 1/2 कप के अकॉर्डिंग होगा पानी हमारा। तो इसमें अब हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, या फिर आप यहाँ पे अगर अगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अरारोट का आटा भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम लगातार घुमाते हुए फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ न पड़े, और बहुत जल्दी ये सेट भी होने लगता है। तो अब इसको हम फेंट लेंगे और हटा देंगे। और मैं यहाँ पे आपको गाजर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बन के हमारा तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमको गाजर को बना करके और तैयार कर लेना है। और अब हम नीचे ही एक कढ़ाही में गाजर को निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गाजर को निकाल लिए और मैं यहाँ पे शुगर दिखा रही हूँ। तो मैं ये घर पे ही शुगर तैयार की हूँ, आप चीनी लें और उसको मिक्सर में पीस करके और तैयार कर लें, या फिर आप चाहें तो साबुत बिस्कुट डाल सकते हैं, हाँ, या फिर मार्केट में भी मिलता है तो आप उसे मंगा लें और आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चक्कर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे ये लाल लगा जो थोड़ा सा मीठा होता है तो शुगर हम इसमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे। तो करीब बड़े चम्मच से बोलूँ तो ये 4 से 5 चम्मच मैं यहाँ पे शुगर इस्तेमाल की हूँ। और अब जो हम इसलिए तैयार किए हैं
उसको हम इसमें नीचे ही डाल देंगे। हमको सारे इंग्रेडिएंट्स यहीं पे नीचे ही डाल लेना है, हमको इसको गैस पे भी नहीं चढ़ाना है। तो इस तरीके से इसको हम डाल करके और इसको हम तुरंत मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको नीचे ही तैयार कर लें और अच्छे से इसको फेंट लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस ऑन करेंगे और गैस पर अब हम इसको पका लेंगे, जैसे कि हम जेली बनाते हैं उसी स्ट्रक्चर का हमको इसको तैयार करना है। तो अब हम इसको गैस पर रख देंगे और गैस को हमको लो टू मीडियम पे रखना है और कंटिन्यू इसको चलाते हुए हमको इस तरीके से पकाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और बहुत जल्दी ये सख्त हो जाता है, तो इसलिए हमको इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही फेंटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे अब मैं यहाँ पे कुछ केसर हमने गर्म पानी में भिगो के रख लिए थे, उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे वनीला एसेंस या कूटी हुई इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रोज वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे केसर के धागे इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको हमने भिगो दिए थे और अब मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जेली के जैसा तैयार हुआ है हमारा ये गाजर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हमको इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसको हम अब नीचे उतार लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको जिस भी कटोरी में, कप में, जिसमें भी आपको इसको सेट करना है, उसमें थोड़ा सा आप घी या तेल कुछ भी ग्रीस कर लें। तो देखिए, मैं यहाँ पे इन तीनों कप में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके और हमने पहले ही रख लिए थे, ये सब काम आपको पहले ही कर लेने हैं। आप चाहें तो इस तरह का मोल्ड हो तो मोल्ड में भी आप कर सकते हैं, इसमें भी लगा करके ऑयल और इसको भी तैयार कर सकते हैं। या फिर आप एक कटोरी ले लें स्टील की, स्टील की कटोरियां तो सभी घर में होती हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। या फिर जिसमें आप नाश्ते वगैरह करते हैं ना, उस तरीके की अगर कोई प्याली हो, कटोरी हो, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। या फिर प्लेट में भी आप एक लंबा सा सेट करके और छोटे छोटे कटोरी से काट करके उसका शेप दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने का। तो चलिए अब हम दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे कैसे बना रहे हैं। तो ये मैं कप के अंदर अब इसको भर रही हूँ, आप देख रहे हैं, और इसको हम इस तरीके से भर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर या बबल्स हों वो सेट हो जाएं। तो देखिए इस तरीके से हम सारे कप कटोरी जिसमें भी हम बनाएंगे हम भर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने भर करके और तीन कप में तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मोल्ड में भी हमको किस तरीके से भर करके तैयार कर लेना है। ये देखिए, स्पून की सहायता से हम मोल्ड में भी इसको भर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शेप दिखाने के लिए मोल्ड में भी भर रही हूँ कि देखिए इसमें भी चाहें तो हम भर के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे मोल्ड भर के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बाहरी थोड़ा सा ये सेट हो जाए करीब 5 मिनट के लिए। कहाँ से ये हमारा गर्म था, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको फ्रिज में रखे देंगे। तो चलिए, हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेट हो चुका है और मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हाथ से ऐसे करने पर ये रिमूव हो रहा है, तो इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको अब हम क्या करेंगे कि सारे जितने भी हम बना के रखेंगे इस तरीके से हम सारे को रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये छोड़ रहा है कप को। तो अब हम इस स्टेज पे एक प्लेट ले लेंगे और ये भी आप देख सकते हैं ये भी निकल रहा है। तो अब हम एक प्लेट ले लेंगे, अब कप को अब हम इस तरीके से पलट कर थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये इजिली निकल के और बाहर आ गया है प्लेट में, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम सारा निकाल लेंगे और आप देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा बन करके हमारा तैयार हुआ है और कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब हम ग्रेटेड कोकोनट ले लेंगे, वो इजिली मार्केट में भी मिल जाता है या फिर घर पर आप बना सकते हैं। ऊपर से जो ब्लैक वाला छिलका है उसको आप हटा दीजिए और इसको जो है ग्राइंड में छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और घर पे इसको आप पीस करके और बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कोकोनट में हम इस तरीके से कोट कर लेंगे और एक एक कोट करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे।
इससे लुक बहुत अच्छा आता है और स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया आता है इसका। आप देख सकते हैं जब हम इसको नारियल में कोट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इसको आप जेली कह लीजिए या फिर गाजर का हलवा कह लीजिए, गाजर का मिठाई कह लीजिए, लेकिन मैंने इसको नाम दिया है गाजर केसर डिलाइट। तो आप एक बार इसको जरूर बनाएं फ्रेंड्स। अब हम इसको थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको गार्निश करने के बाद कितना अच्छा लुक और आ रहा है इसका। तो इस तरीके से आप बनाएं और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जरूर प्रेस करें। तो है ना ये गाजर केसर डिलाइट यूनिक स्टाइल का, तो आप एक बार इसको जरूर बनाएं फ्रेंड्स। अब हम इसको भी निकालना आपको बता दे रहे हैं। जब हम यहाँ पे मोल्ड में बनाए हैं ये देखिए इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे और ये इजिली निकल जाएगा। आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा हाथ से नीचे से प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको भी आपको निकाल कर दिखा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है निकालने में फ्रेंड्स। बस ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको नीचे ऑयल लगा लेना है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा काजू लगा दिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इससे लगाएं नहीं तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। वाओ क्या लुक आया है इसका, आप देख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना बेहतरीन आया है। तो इस तरीके से आप बनाएं और फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक ऐसे रेसिपी के साथ।